नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेसी न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म के बारे में। दोस्तों, एनटीपीसी का जो है फॉर्म कितना भरा गया है 24 तारीख तक, यानी आज 24 मार्च हो गया है, आज शाम 4 बजे तक की डाटा निकल के सामने आ गई है दोस्तों। और आपको 5 जोन बताएंगे जो टॉप जोन भरे जाने थे, और कौन कौन से जोन हैं जो आपको भरना चाहिए दोस्तों, और सब और किस किस जोन पर कितने सीट पर आदमी फाइट कर रहे हैं, सभी का बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों। इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद जितने भी जोन हैं दोस्तों, सभी को आपको बताएंगे अभी कितना उसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं और कौन से जोन बाकी बचे हैं जो आपके लिए बेस्ट और अच्छे हैं। तो दोस्तों, टॉप 5 जोन मैं आपको बता दूंगा जो आप लोग भर पाएंगे। तो जो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही काम करों के साथ आप अलर्ट अपडेट रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, यहाँ से देख पा रहे हैं ये फाइल, पहले देख लेते हैं एक नज़र आपका डाटा जो है कहाँ कहाँ से आया है, सभी बारे में बताएंगे आपको। और देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका टोटल पोस्ट फॉर्म जनरल कट ऑफ, और यहाँ देख रहे हैं पर सीट पर कितना जा रहा है, तो यहाँ सभी जोन दिया गया है, पूरी डाटा देख लेंगे। उसके बाद आपको बता देंगे कौन कौन से जोन में आपको भरना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या है अपडेट, पूरी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि आज में सबसे पहले आ रहा है अहमदाबाद। यहाँ देख रहे हैं कि अहमदाबाद जो है टोटल पोस्ट इस बार जो है 1024 सीट हैं, और देख रहे हैं पिछले बार 1183 सीट थे यहाँ पर, और टोटल फॉर्म देख रहे हैं यहाँ कितना अभी तक भरी जा चुके हैं, यानी 24 तारीख शाम 4 बजे तक देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि 236,743 यहाँ भरे जा चुके हैं टोटल फॉर्म। कट ऑफ की बात करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है आपका 72.46, और पिछली बार ये गया था, यानी लास्ट ईयर का था ये। और इस पर सीट कितना है देख रहे हैं, एक सीट पर जो है 228 व्यक्ति इस पर फाइट कर रहे हैं। और दोस्तों, अब अजमेर बात कर लेंगे, तो यहाँ अजमेर में देख रहे हैं दूसरे नंबर में है अभी, अजमेर में देख रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है 1773, और पिछले भी देख रहे हैं कि जबकि 1088 थे, और यहाँ टोटल फॉर्म अभी तक कितना भरे जा चुके हैं देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि 359,567 यहाँ फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। वहीं बात कर लेंगे इसका कट ऑफ, तो देख रहे हैं 77.39, यानी 77 पॉइंट इतना जा रहा है कट ऑफ इसका। और दोस्तों, ये पिछले लास्ट ईयर के हैं, और 203 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक पोस्ट के लिए 203 हैं, उसमें एक पोस्ट के लिए देख रहे हैं अहमदाबाद में 228 हैं, इसमें देख रहे हैं कंपटीशन कितना जा रहा है। और नीचे देख लेंगे तो इलाहाबाद देख रहे हैं 3 नंबर में, इलाहाबाद में देख रहे हैं टोटल फॉर्म कितना है, टोटल फॉर्म यहाँ पर है 4099, और यहाँ पर देख रहे हैं पिछले ईयर था 2864। वही बात करेंगे फॉर्म अभी तक हम इलाहाबाद में कितना भरे जा चुके हैं, तो देख रहे हैं 8,23,254 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। और लास्ट ईयर का इसका कट ऑफ देखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 77.49 इसका कट ऑफ गया था, और देख रहे हैं कि यहाँ पर सीट पर 206 स्टूडेंट हाइट करेंगे। अब बेंगलोर के देख लेंगे, तो यहाँ बेंगलोर में आपको दिख रहा है कि 2470 सीट हैं वर्तमान में, और यहाँ देख रहे हैं पिछले ईयर था 610, और यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक फॉर्म यहाँ भी बहुत भरे जा चुके हैं, यानी टोटल देख रहे हैं कि 5,27,889 यहाँ फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 64.97 यहाँ जनरल कट ऑफ गया है लास्ट ईयर का। और वही सीट की बात करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 216 सीट पर कैंडिडेट के लिए लड़ रहे हैं, यानी एक सीट के लिए 216 कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं इसमें भी। और यहाँ देख रहे हैं भोपाल बात करेंगे, तो भोपाल में 997 पोस्ट हैं, जिसमें कि पिछले ईयर 1151 पोस्ट थे। और यहाँ बात कर लेंगे भोपाल में, तो फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं, 2,51,782 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं 24 मार्च तक। और यहाँ देख रहे हैं कि 72.990 कट ऑफ हुआ था लास्ट ईयर, और देख रहे हैं कैंडिडेट फाइट करेंगे 250 पर कैंडिडेट फाइट करेंगे एक पद के लिए। और देख लेंगे अगला, देख रहे हैं अगला जोन आपको दिख रहा है कि जैसे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में कितना है 498 यहाँ पोस्ट है, तो यहाँ देख रहे हैं कि पिछले ईयर 470 पोस्ट में भी थे, और अभी तक फॉर्म भुवनेश्वर में कितने भरे जा चुके हैं, 1,80,562 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था देख रहे हैं, 71.91 कट ऑफ गया था। वही इसमें पर कैंडिडेट कितना लड़ेंगे, 353 कैंडिडेट लड़ेंगे एक पोस्ट के लिए।
और अगला देख लेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में देख रहे हैं कि जैसे 1207 पोस्ट हैं और पिछले ईयर 302 पोस्ट थे, और अभी तक फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं देख रहे हैं पर कि 1,77,427 पोस्ट बिलासपुर में भरे जा चुके हैं दोस्तों। ये आप यहाँ फॉर्म थोड़ा मोड़ा भर भी सकते हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं 68.79 जा रहा है इसका कट ऑफ, पिछला बार गया था लास्ट ईयर। और दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं 149 पोस्ट लड़ेंगे एक पद के लिए, तो दोस्तों यहाँ फॉर्म थोड़ा मोड़ा भर सकते हैं। और नीचे देख लेंगे चंडीगढ़, देख रहे हैं चंडीगढ़ में 2483 पोस्ट हैं और पिछले ईयर कितना था 302। वही बात करेंगे फॉर्म, तो यहाँ तक फॉर्म देख रहे हैं 5,78,925 पोस्ट अभी तक भरे जा चुके हैं फॉर्म। और कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 82.27, और यहाँ देख रहे हैं कि फिर 239 पोस्ट लड़ रहे हैं एक पद के लिए, तो दोस्तों और देख लेंगे अगला। अगला देख रहे हैं कि जैसे यहाँ ये चंडीगढ़ था और अगला चेन्नई है, चेन्नई में बात करेंगे देख रहे हैं कि चेन्नई का 2694 पोस्ट हैं और जिसमें पिछले बार 976 पोस्ट थे, इसमें अभी तक चंडीगढ़ में फॉर्म चेन्नई में फॉर्म भरे कितने जा चुके हैं 4,67,416 पोस्ट भरे अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। वही कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट का ईयर इसका कट ऑफ गया था 72.14, और इसका अब देख रहे हैं एक पद के लिए कितना कैंडिडेट हैं, 180 कैंडिडेट लड़ रहे हैं इसमें भी। अगला देख लेंगे, यहाँ देख रहे हैं गोरखपुर, गोरखपुर में 1298 पोस्ट हैं अभी और देख रहे हैं 317 पोस्ट पिछले ईयर थे, जिसमें कि देख रहे हैं अब 387,526 कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं। और कट ऑफ की बात करेंगे तो इसका लास्ट कट ऑफ था 77.43 और 302 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ेंगे। और अगला देख लेंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी में देख रहे हैं कि 851 सीट हैं अभी पोस्ट हैं और इसमें देख रहे हैं 409 पोस्ट पिछले ईयर थे, जिसमें कि देख रहे हैं यहाँ फॉर्म कितना भरे जा चुके हैं 1,99,952 फॉर्म भरे जा चुके हैं, और कट ऑफ दिया था 66.44 इसका लास्ट ईयर। और यहाँ कैंडिडेट कितना है एक पोस्ट के लिए 234 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। चलिए अगला और डाटा देखेंगे, अगला डाटा आपको दिख रहा है दोस्तों कि जम्मू और श्रीनगर, देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर में 898 पोस्ट हैं, जिसमें कि देखिए पिछले ईयर 171 थे, और यहाँ देख रहे हैं कि टोटल 3,21,527 पोस्ट भरे जा चुके हैं, और देख रहे हैं एक पोस्ट के लिए यहाँ 357 कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं इसमें भी। और अगला देख लेंगे कोलकाता, कोलकाता में देख रहे हैं कि कोलकाता में टोटल कितना है 2,949 पोस्ट हैं और पिछले ईयर 1,408 पोस्ट थे, और जिसमें कि देख रहे हैं 3,57,645 पोस्ट भरे जा चुके हैं अभी फॉर्म भर चुके हैं। और कट ऑफ बात करेंगे तो इसका देखिए लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, तो 79.50 गया था कट ऑफ, और एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं कितने के लिए 127 सीट पर एक कैंडिडेट आएंगे इसमें, तो दोस्तों एक सीट के लिए 127 कैंडिडेट इसमें भी लड़ रहे हैं। अगला देख लेंगे मालदा, तो मालदा जैसे देख रहे हैं कि मालदा में 1,043 यहाँ भी सीट हैं और पिछले ईयर कितना था 278 सीट थे मालदा में। और वहीं फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ फॉर्म अभी देख रहे हैं कि 2,88,465 फॉर्म भरे जा चुके हैं। वहीं कट ऑफ की बात करेंगे तो इसका लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 61.87 इसका कट ऑफ गया था, वही एक सीट के लिए यहाँ 276 कैंडिडेट लड़ाई करेंगे, यहाँ फाइट करेंगे कितना एक सीट के लिए 276 कैंडिडेट। अगला देख लेंगे मुंबई, मुंबई में देख रहे हैं 3,665 कैंडिडेट इसमें फॉर्म यहाँ देख रहे हैं पोस्ट हैं यहाँ पर, और पिछले ईयर कितना पोस्ट थे 2,296 पोस्ट थे पिछले ईयर। वही फॉर्म की बात करें तो 688,856 यहाँ फॉर्म मुंबई में भी देख रहे हैं, बहुत तगड़ा फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं पिछले ईयर लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 77.49, वही एक सीट के लिए कितना कैंडिडेट फाइट करेंगे तो 194 फाइट करेंगे एक सीट के लिए। अगला देख लेंगे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि 329 सीट हैं, जिसमें देख रहे हैं पिछले ईयर 464 सीट थे, वहाँ देख रहे हैं 1.75 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर चुके हैं, और यानी लगभग अप्रॉक्स 2.25 लाख के चल गए हैं। और देख रहे हैं कट ऑफ इसका सबसे कम गया था वहाँ पर, यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में 57.97 कट ऑफ गया था। और
अगला देख लेंगे पटना। पटना में देख रहे हैं 1039 पोस्ट हैं, जबकि पिछले बार 714 पोस्ट थे, और 150 यानी 15 यहाँ देख रहे हैं 150,465 फॉर्म भरे जा चुके हैं, और 63.0 यहाँ फॉर्म भर सकते हैं यहाँ देख रहे हैं, और एक सीट के लिए 147 कैंडिडेट हाइट करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी भर सकते हैं। पटना में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी इतना फॉर्म नहीं गया है, यहाँ 3 या 3-4 लाख जाएंगे तब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, यहाँ आप भर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भरने में। पटना रांची देख रहे हैं, रांची में 1386 पोस्ट हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि 191,526 फॉर्म भरे जा चुके हैं 24 तारीख तक, और देख रहे हैं शाम 4 बजे तक, और देख रहे हैं 63.75% इसका कट ऑफ गया था, और देख रहे हैं 139 जो है कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ाई करेंगे इसमें, यानी 139 एक सीट पर फाइट करेंगे। अगला देख लेंगे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में देख रहे हैं जैसे कि 3,234 सीट अभी हैं, मतलब इसमें पोस्ट है, और 1,618 पोस्ट पिछले ईयर थे, और यहाँ फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं 528,526 पोस्ट भरे जा चुके हैं, और कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर इसका कट ऑफ गया था 77.72, और एक सीट की लड़ाई फाइट करेंगे कितना 174। अगला देख रहे हैं कि जैसे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के लिए देख रहे हैं कि 443 यानी 443 यहाँ पोस्ट हैं, और 279 पोस्ट थे पिछले ईयर, और यहाँ फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं तो 70,176 पोस्ट अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं, और कट ऑफ देख रहे हैं कट ऑफ 67.52 कट ऑफ गए थे पिछले लास्ट ईयर्स का, और कैंडिडेट एक सीट के लिए कैंडिडेट कितना फाइट करेंगे तो 145 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक सीट के लिए। अगला देख रहे हैं त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में देख रहे हैं 897 सीटें हैं पोस्ट हैं, और 488 पोस्ट पिछले ईयर थे, वही बात करेंगे फॉर्म की, तो फॉर्म 215,735 फॉर्म भरे जा चुके हैं, और देख रहे हैं यहाँ पर 79.75% कट ऑफ गया था लास्ट ईयर इसका, 244 यहाँ कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए लड़ाई करेंगे। दोस्तों आप सिलीगुड़ी भी भर सकते हैं, सिकंदराबाद भी भर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब हैं 4-5 जो आप भर सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ 2 घर देख लिए हैं, तो दोस्तों 5 जोन ये थे जो आप वहाँ भर सकते हैं। तो आगे की अपडेट देखने के लिए NKC न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, काम खबर जो भी निकल के आए सामने मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों नए अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।